एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, लगाया जाएगा वीकेंड कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाना एकदम गलत। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सहाड़ा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की दूसरी लहर में भी गहलोत सरकार का प्रबंधन शानदार। और भाजपा प्रभारी वासुदेव देवनानी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, कहा महाराणा प्रताप के बारे में माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस बेवजह दे रही मामले को दूर। चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। ड्रैगन भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के बजाय अकड़ दिखा रहा है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ जारी गतिरोध को कम किया जाए, लेकिन चीन ने एक बार फिर अड़ियल रुख अपनाते हुए पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग के संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। पिछले हफ्ते चीन और भारत के बीच 13 घंटे तक चली 11वें दौर की सैन्य वार्ता, जिसमें चीन ने इन इलाकों से पीछे हटने पर इनकार कर दिया था। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर मंडल आयुक्तों व जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रवासियों के आगमन पर जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाए और किसी प्रकार के लक्षण आने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाए। वहीं जांच में संक्रमित पाए जाने पर उसे कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किया जाए। जो लक्षण वाले संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। लक्षण विहीन लोग 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बिगड़ते हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समीक्षा बैठक की। इसके बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने सभी को कोरोना की इस लहर से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने के लिए कहा। इसी के साथ केजरीवाल ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए सरकार ने राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। बताया कि हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5000 से भी अधिक बेड फिलहाल उपलब्ध हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये उम्मीद नहीं करता था कि वो राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने जैसा असत्य बयान देंगे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाना एकदम गलत है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मेहनत कर प्रतिदिन वैक्सीनेशन की रफ्तार 5.81 लाख टीके प्रतिदिन तक पहुंचाई एवं देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने 10% वैक्सीन के खराब होने की छूट दी थी, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन के वेस्टेज का प्रतिशत सिर्फ 7% है। राजस्थान में पूरे देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है। मेरा यह भी मानना है कि केंद्र सरकार को इस बारे में गलत बयानी करने की जगह आधिकारिक तौर पर एडवाइजरी जारी कर कहना चाहिए था कि वैक्सीन उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा, जिससे भविष्य में लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने और लोगों का वैक्सीन में विश्वास बना रहे। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और सहाड़ा उपचुनाव प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने भिलवाड़ा के सहाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि जो बीत गया उसको भूल जा। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के महाराणा प्रताप के अपमान पर भी निशाना साधा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कटारिया इतने सीनियर होते हुए भी महाराणा प्रताप पर ऐसी बात कह गए। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में भी गहलोत सरकार का प्रबंधन बहुत शानदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राजस्थान मॉडल की तारीफ की थी। भाजपा प्रभारी वासुदेव देवनानी ने कहा कि महाराणा प्रताप के अपमान के बारे में गुलाब चंद कटारिया ने 2 बार माफी मांग ली है, ऐसे में यह मामला यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस बेवजह इस मामले को तूल दे रही है। देवनानी ने कहा कि कटारिया ने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह निंदनीय है और उन्होंने खुद इस बारे में माफी मांग ली थी। ऐसे में राजसमंद में हो रहा प्रदर्शन कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन है।
देवनानी ने कहा कि 17 अप्रैल को मतदान के बाद यह मुद्दा अपने आप ही गौण हो जाएगा। देवनानी ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को महान बताया था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उसे पाठ्यक्रम से हटाकर महाराणा प्रताप का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को भी प्रताप की हार बताया, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों का चुनाव प्रचार आज थम गया है। उपचुनाव के मतदान से पहले सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के खांखला गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मांगीलाल भील के घर भोजन किया। भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में चुनावी सभाएं की। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में तेज अंधड़ के साथ साथ हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आगामी 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में तेज अंधड़ चलने की आशंका है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम के इस प्रभाव से आगामी 2 दिन तक प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य में कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइट से छिड़काव किया जा रहा है, ऐसे में गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालना करने के आदेश दिए हैं। जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अब शराब की दुकानें भी 5 बजे बंद होंगी। 5 बजे बाद दुकानों के खुलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर के रेनवाल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में महिलाओं ने ईसर गणगौर की सवारी निकाली और पूजा अर्चना की। क्षेत्र में महिलाएं ईसर गणगौर के गीत गाती हुई निकली। महिलाएं सज धज कर कलश सर पर रखकर अपने सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए नजर आईं। इस दौरान महिलाएं ईसर गणगौर के गीत गाती नाचती हुई नजर आईं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन ईसर गणगौर की पूजा करती हैं और अपने परिवार की मनोकामना और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। इस दिन का महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं और इस दिन अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ के जयपुर रोड बस अड्डे से एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। कोडेर भरतपुर निवासी अपराधी तेजवीर सिंह के पास से 3 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार धनकड़ व सब इंस्पेक्टर रजत खींची के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए टीम में पुष्पेंद्र सिंह, संजय सिंह, बने सिंह, धर्मराज सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को पुलिस टीम में शामिल किया गया। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने जयपुर के 3 परिवहन कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान महेंद्र सोनी ने परिवहन कार्यालयों में टेक्नोलॉजी बेस्ड काम को और प्रभावी बनाने और इनमें सुधार के लिए चर्चा की। परिवहन कार्यालय में होने वाले कामों को सुचारू और समयबद्ध तरीके से करने के लिए जोर दिया गया, जिससे लोगों के कामों में देरी ना हो और इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखा जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।